नोएडा ऑनलाइन घोटाले में दखल से सेबी का इनकार, कहा दूसरी एजेंसियां कर रही हैं जांच, सेबी के दखल की जरूरत नहीं। सरकार राशन की दुकानों से सब्सिडी के लिए आधार होगा जरूरी, 30 जून तक बनवाना होगा आधार, 8 फरवरी से लागू है नियम। बेनामी ट्रांजैक्शन पर सरकार और सख्त, नोटबंदी में काले को सफेद कराने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट पर कसेगा शिकंजा, पकड़े जाने पर होगी 7 साल की सजा। निचले स्तरों से बाजार में रिकवरी, इंट्राडे में निफ्टी 8,750 के नीचे लुढ़का, सेंसेक्स 40 और निफ्टी लॉन्ग चढ़कर बंद, आईटी एजुकेशन शेयरों में तेजी। टाटा स्टील ने लिबर्टी हाउस को बेचा, यूके स्टील बिजनेस, 10 करोड़ पाउंड में हुई डील, भारतीय कारोबारी संजीव गुप्ता की है लिबर्टी हाउस। विजय माल्या को भारत लाने की उम्मीदें बढ़ी, भारत ने ब्रिटिश उच्चायोग से की माल्या के प्रत्यर्पण की अपील। नोटबंदी के बाद निशाने पर सरकारी कंपनियां, सूत्रों के हवाले से खबर, नोटबंदी के बाद जमा रकम की सरकार कराएगी जांच। बाजार में निवेश बढ़ाएगा ईपीएफओ, जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय, बाजार में आगे 10 से 15% करेंगे निवेश। सिख विरोधी दंगों पर जगदीश टाइटलर का हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, सीबीआई ने मांगी इजाजत, कल होगी कोर्ट में पेशी। टाटा मोटर्स लाएगी नई कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर, ऑटो एक्सपो में काइट 5 के नाम से किया था शोकेस, 4 लाख से कम होगी कीमत।